पब्लिक टीवी आपकी आवाज। पंजाबी समाज ने प्रेम चुनरिया में लोहड़ी पर्व मनाया। इसमें पंजाबी गीत, भांगड़ा और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की धूम रही। नवयुगलों का सम्मान किया गया। सभी ने समाज की एकता पर जोर दिया। कार्यक्रम का आरंभ सरस्वती वंदना से किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर राजीव कुमार ने लोहड़ी का इतिहास और महत्व बताया। उन्होंने समाज की एकता पर बल दिया। डॉक्टर विनोद कुमार, राजीव गुम्बर और वीरेंद्र अरोड़ा आदि ने संबोधित किया। पंजाबी समाज में वयोवृद्ध, नवयुगलों एवं नवजात शिशुओं का सम्मान किया गया। बच्चों ने भांगड़ा, पंजाबी नृत्य, गिद्दा सहित सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। हर्षोल्लास के साथ लोहड़ी जलाई गई। महिलाओं ने मंगल गीत गाकर मन मोह लिया। बच्चे, महिलाएं और पुरुषों ने नृत्य कर उल्लास से सराबोर कर दिया। सभी ने एक दूसरे को लोहड़ी की बधाई दी। संयोजक गोपाल मेहता एवं सतीश अरोड़ा ने आभार व्यक्त किया। संचालक संदीप बजाज एवं अंजू त्रिपाठी ने किया। कुलदीप चावला, सतीश खन्ना, हरीश भसीन, ललित चौधरी, राजेंद्र मल्होत्रा, भूपेंद्र सिंह, राकेश मल्होत्रा, विनोद गुम्बर, अजय नारंग, ऋतु नारंग, विजय मदान आदि शामिल रहे। मेरा नाम डॉक्टर राजीव कुमार। मैं आज मुरादाबाद के पंजाबी समाज के द्वारा आज जो लोहड़ी उत्सव का आयोजन किया गया है उसका कार्यक्रम का समन्वयक हूँ। आज प्रेम चुनरिया में लोहड़ी का त्यौहार मनाया जा रहा है। मुरादाबाद में अपने जितने भी पंजाबी संगठन हैं उन सब पंजाबी संगठनों को एक साथ लेकर, एक मंच पर लेकर इस लोहड़ी उत्सव को आज हम लोग मनाने जा रहे हैं। इसमें हम लोग अपने समाज के जो वयोवृद्ध लोग हैं उनका सम्मान और जो नए जन्मे बच्चे हैं उनका सम्मान और नए युगल जिन्होंने अपने अभी विवाह के बाद की पहली लोहड़ी मना रहे हैं उनको भी सम्मानित करने का हमने यहाँ पर तय किया है। और साथ में पंजाबी समाज से जुड़े हुए जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं उनका भी आयोजन हो रहा है। ये मुरादाबाद के अंदर पहला आयोजन है जिसमें पंजाबी समाज के सारे संगठन एक साथ आकर, एक मंच पर आकर आज लोहड़ी के उत्सव को मना रहे हैं। बड़ा हर्षोल्लास का ये त्यौहार है। हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारा सभी समाज, हमारे सभी भाई, सभी बहनें सब स्वस्थ रहें और सब लोग ईश्वर की कृपा बनी रहे। आज लोहड़ी के त्यौहार पर हम केवल यही कामना करते हैं। थैंक यू।